अस्सलामुअलैकुम। तो इंजीनियरिंग वर्ल्ड में और ये फील्ड में कभी करियर नहीं, ड्राइंग पे काम कर रहा, तो मैं क्या बस आज इसी टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस डी रूम जो या डिपार्टमेंट जो सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में, तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल उसका ड्राइंग पड़ी हुई है, तो आज उसको चेक कर लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या क्या है। तो बेसिकली ये हमारे पास इस डिपार्टमेंट जो सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट है उसका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हमारे पास पड़ी हुई है। इसमें हमने इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन देने हैं और जो भी पैरामीटर है उसमें वो आते हैं। तो ज़्यादातर इसमें हेवी मशीनरी यूज़ होती है और पावर सॉकेट इस्तेमाल होते हैं करते हैं इसमें। तो इसके लिए मुझे लेजेंड है वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए है, एक है डोर बेल का ऑप्शन है और इसके अलावा डोर रिसीवर का ऑप्शन हमारे पास लेजेंड में मेंशन है, और इसके अलावा 10 एम्पीयर का सॉकेट है और जो 1200 mA लग रहे हैं। इसके बाद 10 एम्पीयर का दूसरा सॉकेट है और इसके साथ हमारे साथ है RG45 जो हमारे पास डेटा के कनेक्शन होते हैं वो आ रहे हैं। इसके साथ GPS सप्लाई है। तो जनरली ये हमारे पास उनके लेजेंड्स हैं, तो ये इसका भी है। तो यहाँ पे हमारे पास 1200 mA की हाइट पर लग रहे लगेगा और इसी तरह यहाँ पे भी दो दिए हैं 13 एम्पीयर के पावर सॉकेट, और इस तरह ये भी 10 एम्पीयर के हैं, ये भी 10 एम्पीयर के हैं, और साथ ही जो है 16 एम्पीयर के इंडस्ट्रियल सॉकेट है। तो बाकी चीज़ें ये लग रहे हैं, अभी ये जो 18 एम्पीयर के हैं यहाँ पे हमारे पास जो लग रहा है वो होगा इंडस्ट्रियल पावर सॉकेट होगा। और जो नॉर्मल सॉकेट होते हैं हमारे पास वो 10 to 4 की, ये जो पावर सॉकेट है हमारे पास ये होता है 10 to 30 एम्पीयर तक, जो नॉर्मली तकरीबन 700 से लेकर वाट से लेकर 3000 वाट तक इसको ऊपर पावर बेयर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल सॉकेट है तो उसमें इसकी पावर करंट कैरिंग कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये हेवी मशीनरी है ज़्यादा, और जहाँ पे हमारे पास हेवी मशीनरी आ जाती है उसको ऑपरेट करने के लिए जो सॉकेट होती है फिर वो हमारे पास हम इंडस्ट्रियल उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम नॉर्मल सॉकेट इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसके जो एम्पेयर होते हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर हम इसको इंडस्ट्रियल सॉकेट इस्तेमाल करते हैं। तो यही वजह है कि इसमें फिर हम बड़े सॉकेट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिसकी एम्पेयर रेटिंग भी होती है और 16 से अबव जितनी भी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो इंडस्ट्रियल सॉकेट्स में आ जाते हैं। तो बस जनरली मैं आपको यही लेआउट जो इसका डायग्राम है जो सॉरी ड्राइंग्स हैं इसकी SSD रूम की जिसमें हमारे पास जनरली जो पावर सॉकेट के अलावा जो हमारे पास पावर सॉकेट है नॉर्मल वोल्टेज के लिए नॉर्मल करने के लिए जो हम पावर सॉकेट इस्तेमाल करते हैं वो अप टू 13 एम्पीयर। इसके अलावा जो हमारे पास आ जाते हैं इंडस्ट्रियल पावर सॉकेट आते हैं तो वो अबव 60 एम्पीयर से जो अबव हो जाते हैं
तो हम इसके लिए तुम्हारे से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।